अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सज्जाद अली। आप देख सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपको दिखा रहा हूं घोलवाड़ी शरीफ। ये घोलवाड़ी शरीफ सबसे बड़ी पहाड़ है, ये चट्टान, और इसी के बाजू में है तालाब। फुल ट्रैफिक जाम है, गाड़ियों के लिए बहुत दिक्कत हो रही है कि गाड़ी आगे पीछे जाए ऐसी तरह से। अब ये देख रहे तालाब, घोलवाड़ी शरीफ का तालाब। यहाँ पर पानी ना कर ही लोग जाते हैं दरगाह शरीफ को ज़ियारत करने के लिए, और यही तालाब का पानी लेकर जो लोग नियाज करते हैं उसका खाना बनाते हैं। पानी का थोड़ा सा पानी डाल के ही खाना बनाते हैं, बिना पानी डाले के खाना बनाते ही नहीं नियाज का जो भी होता है। और ये पहाड़, बच्चे लोग जो आप देख रहे हैं ना, बॉयज़ घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, धूप के वक्त भी ऊपर जाकर इंस्टाग्राम के रील्स वगैरह बना रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। वो रास्ता है जहाँ से बच्चे उतर रहे पहाड़ के ऊपर से, उस रास्ते से नीचे उतरने का है रास्ता। यहाँ से डायरेक्ट ढलिया चट्टान है, यहाँ से गिरेंगे तो सीधा ऊपर ही। पानी के हौज है, पानी के हौज जो है दुबकाले में पानी नहीं आया तो उसमें मोटर चालू करके पानी लगाते हैं, हौज में पानी आना पब्लिक। पहले यहाँ पर बड़े बड़े झाड़ रहते थे, हमारे झाड़ों को कतरने के बाद धूप की वजह से टेंट डाल के रह रही है पब्लिक। पहले बड़े बड़े झाड़ रहते थे बरगद के, वो झाड़ों को कतर दिए रोड बनते वक्त। ये पूरा हाइट होगा एकदम, तालाब नीचे चले गया, कट्टा ऊपर आ गया। ये है घोलवाड़ी का गांव, पूरा जो टाउन दिख रहे हैं आप यही है घोलवाड़ी सिटी। माशाल्लाह सामने बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, 3 से 4 फ्लोर की बिल्डिंग है वो, 4 फ्लोर की। अब ये जो है पूरा घोलवाड़ी का गांव है, पूरा पब्लिक होटल जो भी है, और नीचे जो बकरियाँ हैं ख़रीदने के लिए है, जो लोग न्यास के लिए बकरे नहीं लाते यहाँ पर ख़रीद सकते हैं, अवेलेबल है यहाँ पर, बकरे ख़रीद सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ मीठे पानी की बोरवेल भी है। और बच्चों को खेलने के ऐसे मिकी माउस का हाउस भी है यहाँ पर, वो फिसल बंडा। ये तालाब में जाली इसलिए मारेंगे, एक बार 4 बच्चे डुबके मर गए थे हैदराबाद के, इसलिए जाली मारी। और जाली के आगे जाना रेड जोन है, जाने वालों को फाइन लग सकता है 5,000 रुपये का। जाली के इधर ही नहाना करना जो भी है सब। ये सीढ़ियों से उतर के जाना है, सामने हाउस है, दुकाले में पानी ना रहा तो हाउस में पानी भर देते। और ये पूरा तालाब, ये जाली के आगे जाना रेड जोन है, यानी कि जान को ख़तरा भी है और पुलिस वाले भी इधर देखते रहते हैं, अगर कोई पार कर दिए तो उसको 5,000 रुपीज़ का चार्ज लगाए थे। फिर ये पूरा घोलवाड़ी, छोटे बच्चे खेलने के ऐसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एकदम कार, छोटे बच्चे खेलने का यहाँ पर, तो बच्चे गेम खेल रहे हैं अच्छे तरीके से। ये आपको पहाड़ के साथ दिख रहा है पूरा घोलवाड़ी। जो लोग पकाने के लिए लकड़ी नहीं लाते उनके ऐसा लकड़ी का इंतज़ाम है, बकरे है, जो भी ख़रीदारी कर सकते हैं लोग जो भूल के आते हैं, सब इंतज़ाम था यहाँ पर। सामने घोलवाड़ी शरीफ की दरगाह को जाने का रास्ता, और ये रहा तालाब। ये पूरा पानी है फुल तालाब में, अभी पानी कम है, बारिश में ज़्यादा रहा था पानी बहुत। पूरा राउंडिंग में सड़क बना गया है डैम के तरह पे बिल्कुल। यहाँ पर हाउस से कचरा जमा होगा यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा हाउस, इसलिए ज़्यादा लोग तालाब में नहाते हैं, तालाब में नहाना ही पसंद करते हैं, तालाब का पानी ज़्यादा पसंद करते हैं पब्लिक। अब ये सड़क हाइट हो जाने से गांव नीचे होगा पूरा। बारिश में पूरा सीढ़ियाँ भीग गया, डूब जाती है पानी के। आना
यहाँ पर पब्लिक को वार्निंग दी जाती है क्योंकि अपने मोबाइल का, पैसों का अपना ख्याल खुद रखे, अपने बच्चों का ख्याल खुद रखे, क्योंकि घूमने का ख़तरा आपका खुद का रहना नुकसान हो जाएगा, फिर आप खुद ख्याल रखें तो अच्छा रहेगा। यह है दरगाह को जाने का रास्ता, पब्लिक खुला है यहाँ पे, पब्लिक माशाल्लाह के साल बेहिसाब है, बहुत ज़्यादा है पब्लिक, यहाँ पर पब्लिक फुल है, यहाँ पर भी दरगाह से नहीं फुल पब्लिक है। और ये रहा तालाब, तालाब का आगे जो डिज़ाइन हो रहा है पत्थर लगाकर उसके साइडों में से, क्योंकि तालाब का पाल नीचे ना गिरे इसलिए काले पत्थर का बना रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर काले पत्थर का डिज़ाइन चल रहा है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो पहाड़ मैं शुरू में बताया, मैं इतनी दूर आ गया हूँ, पहाड़ वहाँ पर दिख रहा था। इस वीडियो में उस पहाड़ से लेकर यहाँ तक का मैंने आपको वीडियो बताया है, बीच में तालाब और सुरक्षा के, तालाब को पूरी तरह से जाली मारा जा रहा है, इस तरह से यानी कि फुल जाली रहेंगे सिक्योरिटी के लिए, बच्चे जाना नहीं बोल के पूरा अच्छी तरह से जाली मार दे रहे हैं, पब्लिक को भी अंदर तालाब में ऐसा नहीं आना बोल के।